लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पाली थाना अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि एक आदिवासी महिला अपने परिचित के साथ सहडोल बाजार गई थी। वापस लौटते समय महिला और उसका साथी जंगल के रास्ते में पेड़ के नीचे छांव में आराम कर रहे थे। उसी समय दो युवक वहां पहुंचे, जिनका नाम रेशम यादव और राम खिलावन यादव था। दोनों ग्राम हथपुरा के रहने वाले हैं। दोनों युवकों ने पहले तो युवती के साथी के साथ मारपीट कर उसको भगा दिया और फिर दोनों युवकों ने आदिवासी युवती के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने फरियादी युवती के शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया, जहाँ से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। एक हथपुरा की आदिवासी महिला थी, 3-4 वर्षों से पति से अलग रह रही थी और शेड्यूल में वो मजदूरी करती थी। जिस राजमिस्त्री के साथ काम करती थी, लॉकडाउन के बाद उसने उसको बुलाया, उसे बाजार जाना था कुछ शेड्यूल सामान खरीदने के बाद ये दोनों वापस आ रहे थे। जंगली रास्ता पड़ता है, वहाँ पर ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी भोला यादव और राम खिलावन यादव, दोनों हथपुरा के रहने वाले हैं, ये आए और उस आदिवासी हरिलाल को मारपीट कर भगा दिया और इस महिला को वहीं करीब 150 मीटर दूर जंगल में ले गए और इसके साथ बारी बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। इस पर हरिलाल बैगा ने 100 डायल पे रिपोर्ट की, 100 डायल वहाँ पहुँची और 7 महीने लेके आई। मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, जिनकी समस्त औपचारिकताओं के बाद आज गिरफ्तारी कर ली गई। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।